हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो इस बरसात के मौसम में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर बनाना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी गाइड। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू। इन्हें मैं अच्छी तरीके से छील लूँगी, तो आप भी इसे अच्छी तरीके से पहले छील लेना। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे आलू को अच्छी तरीके से छील लिया है। फिर मैंने यहाँ पर आलूओं को पानी में रख दिया है जिससे कि हमारे आलू काले ना पड़े। फिर मैंने यहाँ पर ग्रेटर लिया है, एक बड़े साइड वाले की तरफ से आपको आलू को, सारे आलू को ग्रेट करके रख लेना है। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे आलू को ग्रेट कर लूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो मैंने सारे आलू को यहाँ पर इसी तरीके से ग्रेट कर लिया है और इसे पानी में डाल करके रख दिया है जिससे कि हमारे आलू काले ना पड़ेंगे। फिर अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स। तो मेरे पास मार्केट वाली ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास ये कुछ टोस्ट पड़े हुए थे, तो मैं इन टोस्ट को मिक्सर जार में ऐसे तोड़ करके डाल दूँगी। सारे को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसे ढक्कन लगा करके बारीक पीस लूँगी। तो इस तरीके से आप घर पर ही ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हो। और ये टोस्ट वाले जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ये बहुत ही टेस्टी होते हैं क्योंकि ये हल्के से मीठे होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहो तो किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हो। फिर मेरी जब तेल गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें हींग, आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी चम्मच मैं यहाँ पर राई डालूंगी। और जब ये अच्छी तरीके से चटक जाएंगे तो मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच भुनी हुई मिर्च पाउडर डालूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। फिर मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करूँगी और इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक मैं तेल में इसे पकाऊँगी। फ्रेंड्स, इससे इसके टेस्ट बहुत अच्छी आती है, आपको बिना लहसुन प्याज अदरक के ये बन जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड करूँगी और नमक यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच चाट मसाला डालूँगी और इसे भी डाल करके मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। जब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डालूँगी और इसे भी डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर अपने सारे ग्रेट किए हुए आलू को डाल दूँगी पानी को छान करके। तो आपको इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, आपको इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है जिससे कि आपके जो आलू हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इसी तरीके से आपको 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर सारे पानी सूख चुके हैं, तो मैं यहाँ पर बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच मैदा डालूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर बेसन भी यूज़ कर सकते हो, पर बेसन डालोगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा डालना पड़ेगी और मैदा की बाइंडिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा डाला है और इसे डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद मैं यहाँ पर एक थाली में इसे निकाल लूँगी। थाली में निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करना। तो जितने भी एक्स्ट्रा लगे हुए होंगे कढ़ाई में छलनी में तो मैं उसे निकाल करके इसे डाल दूँगी। जब ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर अपने तैयार किए हुए ब्रेड क्रम्स को यहाँ पर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, इससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और इसे मैं अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे। तो हल्की जब गर्म रहेगी तभी आप इसे मिक्स करना और ध्यान से करना, क्योंकि ये थोड़े से गर्म होंगे तो आपके हाथों में थोड़े से गर्माहट महसूस होगी। तो इसे अच्छी तरीके से आपको ऐसे करके मिला लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने हाथों में ऑयल लगा करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही। आप चाहो तो अलग से ब्रेड क्रम्स को इसे मैदे में घोल करके फिर ब्रेड क्रम्स लपेट कर भी छान सकते हो। मैंने यहाँ पर सारे अपने आलू के स्नैक्स बना लिए हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कढ़ाई में तेल को ऐसे डाल करके चेक करूँगी कि मेरे तेल गर्म हुई या नहीं है। जब मेरी तेल गर्म हो जाएगी तो मैं यहाँ पर आलू के बॉल्स को यहाँ पर डाल दूँगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से मैं इसे फ्राई कर लूँगी।
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इसे चलाना है। तो ये धीरे धीरे जो कलर है चेंज होते जाएंगे, जब पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसे अच्छी तरीके से तेल को निकाल करके आप इसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख सको। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे आलू के बॉल्स को छान लूँगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, आप एक बार इस तरीके से बहुत ही सिंपल रेसिपी ट्राई करके देखना। अब मैं आपको यहाँ पे सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रंची बने थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, आप अंदर से भी तो देखना चाहोगे। तो मैं इसे आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। देख, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तोड़ने से ही पता चल रहा है कितनी क्रंची और अच्छी बनी है ये। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपीज़ को बनाना बताया जाएगा, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। थैंक यू।